अयोध्या के फैसले को लेकर एमपी पुलिस सहित शाजापुर पुलिस अलर्ट पर है और ऐसे में अभी हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि अयोध्या मामले में न्यायालय का क्या फैसला आएगा। पूरा देश न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा है। वहीं हमारे शाजापुर रिपोर्टर दिलीप सोराष्ट ने एसपी शाजापुर से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और इसके लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, किसी तरह की सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति न बने, इसके लिए शाजापुर पुलिस ने इस स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उन सब का रिकॉर्ड बंद कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल कर रही है। निगरानी एवं अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए एक दल गठित कर दिया गया है, जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जिससे शहर की फिजा खराब ना हो सके। अयोध्या प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और इसको लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, किसी तरह की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस पूरी सतर्कता कर रही है। इसमें कई स्तर पर हम लोगों ने तैयारियां शुरू की हैं। एक तो जो पुराने अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उन सबका रिकॉर्ड छांट कर और उनके खिलाफ़ प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं कि ऐसे माहौल में कोई आपराधिक किस्म के लोग इस माहौल बिगाड़ने के प्रयास में सम्मिलित ना हो सकें, इसलिए उनको पहले से ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के तहत बाउंड ओवर कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया गया है, उसमें लगातार पुलिस के भ्रमण का एक रूट प्लान बनाया गया है। राजस्व अधिकारियों के साथ भी बैठक हो गई है, तो पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की संयुक्त भ्रमण और लगातार निगरानी उन दिनों में रहेगी। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए एक अलग से हमारा सेल गठित कर लिया गया है, जो लगातार विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया में अगर कोई भड़काऊ मैसेज करता है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।